एनएमटीवी को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। इस रमज़ान महीने में सभी मुसलमान भाइयों से हम गुजारिश करते हैं कि आदरणीय लोक नेता गणेश जी नाइक साहब और इस एरिया के युवा आमदार आदरणीय संदीप जी नाइक साहब और पूरे नाइक फैमिली के लिए ही पूरे हमारे समाज के लोग दुआ करते हैं उनके लंबे सेहत के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए और अच्छे सेहत के लिए दुआ करते हैं, जिसकी वजह से कि वो नवी मुंबई का और अच्छी तरह से मेहनत करके सेवा कर सके। विधायक गणेश नाइक ने हमेशा से ही जाति, धर्म एवं पंथ से आगे जाकर अपनी सोच रखी है। गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को उन्होंने हमेशा से ही मदद का हाथ दिया है। कोरोना का प्रभाव एवं आने वाले रमजान ईद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एवं श्री गणेश जी नाइक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से नवी मुंबई के 41 मस्जिद एवं 10 मदरसा में खजूर एवं अनाज के किट का वितरण किया गया। ऐरोली नोड में भी ऐरोली सेक्टर 17 स्थित मस्जिद, शिव कॉलोनी स्थित मस्जिद, चिंसपाड़ा स्थित मस्जिद में अनाज एवं खजूर का वितरण किया गया, जहां पर पूर्व नगर सेवक एडवोकेट जब्बार खान, समाज सेवक सुदर्शन जिरगे, कैलाश सुकाले, समाज सेविका एडवोकेट संध्या सावन, भाजपा के कार्यकर्ता, मस्जिद के ट्रस्टी मौलाना आदि मौजूद थे।
मुस्लिम समाज के लोगों ने विधायक गणेश नाइक, ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वे हमेशा से ही मुस्लिम समाज के लोगों की मदद के लिए अग्रेसर रहते हैं। गणेश नाइक साहब के बारे में कहना, मेरे सही से आदमी ने कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि गए 20-25 साल से नाइक साहब हमारे मुसलमानों के लिए हमेशा अग्रेसर रहते हैं। उन्होंने जात पात हिंदू मुस्लिम ये कुछ नहीं देखते हैं, सबको समान देखते हैं। जब से वो नई मुंबई का नेतृत्व कर रहे हैं, वो नई मुंबई के सारे समाज को लेकर, साथ में मुस्लिम समाज को भी लेकर हमेशा अग्रसर रहे हैं। हमारे लिए वो हमेशा अच्छा ही काम करते आ रहे। ये जो आज उन्होंने खजूर और ये दिया, ये पिछले साल भी उन्होंने दिया था, ये तो कुछ नहीं, वो हर बार हमें को ऐसी मदद और सहायता करते रहते हैं। मुसलमानों के लिए एक वो अच्छे इंसान है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो नई मुंबई का नेतृत्व हमेशा उनके हाथ में रहे। वो गरीबों के लिए जो किया है बहुत अच्छा किया है, और इससे पहले उन्होंने किया है और हमेशा करते रहते हैं, और बेहतर है कि वो करेंगे, बहुत खुशी की बात है। और हम सब उनके लिए दुआ भी करते हैं कि आगे बढ़ते रहे और इस तरह करते रहे। तो वहीं पूर्व नगर सेवक एडवोकेट जब्बार खान ने कहा कि हर साल नाइक परिवार की ओर से ईद के उपलक्ष में मुस्लिम परिवार को मदद भेजी जाती है, एवं इस बार उन्होंने नवी मुंबई के सभी मस्जिद एवं मदरसों में जरूरतमंद लोगों को अनाज भी भेजा है, जो वाकई में गरीबों के लिए एक बड़ी मदद है। इस रमजान महीने में सभी मुसलमान भाइयों से हम गुजारिश करते हैं कि आदरणीय लोक नेता गणेश जी नाइक साहब और इस एरिया के युवा आमदार आदरणीय संदीप जी नाइक साहब और पूरे नाइक फैमिली के लिए ही पूरे हमारे समाज के लोग दुआ करते हैं कि उनके लंबे सेहत के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए और अच्छे सेहत के लिए दुआ करते हैं, जिसके वजह से कि वो नवी मुंबई का और अच्छी तरह से मेहनत करके सेवा कर सके। आज आपको पता होगा कि जो ड्राइव है, आज हम लोग जो हर मस्जिदों में मदरसे में जाकर ये जो वाटअप कर रहे हैं अनाज का, ये नई मुंबई के 41 मस्जिद ट्रस्ट में और 10 मदरसों में कर रहे हैं। हर जगह पर हमारे अलग अलग जगह पर कार्यकर्ता जाके कर रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने खजूर बांटी थी, इस साल और चीज़ें बढ़ाई है, अगले साल इंशाल्लाह और चीज़ें बढ़ेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि रमजान के महीने में अनाज का वितरण कर गणेश नाइक गरीबों की दुआ ले रहे हैं। ये कोविड का मसला है, रमजान का मसला है, और साथ में हम लोगों ने ये ट्रस्ट को दिया है। ट्रस्ट को इसलिए दिया है कि यहाँ पर ट्रस्ट के मार्फत जो भी गरीब गुरबा लोग रहेंगे उनके मार्फत वो उन लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँचाएंगे, ऐसी उम्मीद है, और इसकी दुआ गणेश नाइक साहब को जरूर मिलेगी। ये यार उनको हम नई मुंबई में कोविड हटे, कोरोना हटे और सब लोग सेहतमंद हो जाए जल्द से जल्द, और ये बीमारी से निजात मिले, ऐसी दुआ नई मुंबई के लिए करते हैं, और गणेश नाइक का और उनके परिवार का भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसी दुआ अल्लाह ताला से करते हैं। इसके बाद दीघा क्षेत्र के मस्जिद एवं मदरसा में भी अनाज एवं खजूर का वितरण किया गया, जहां पर एडवोकेट जब्बार खान, समाज सेवक वीरेश सिंह के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता एवं मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।